जैसा कि आप लोग तो जानते हैं कि मैं ब्लॉगिंग से भी पैसा कमाता हूँ, यूट्यूब वीडियो भी बनाता हूँ और डिफरेंट डिफरेंट जो है मीडियम है। ऐसे में आप लोगों के दिमाग में चलता हो कि यार अगर आज की डेट में ब्लॉगिंग शुरू करे, मतलब ये कि नए साल मतलब 2020 में अगर ब्लॉगिंग शुरू करे तो क्या कंपटीशन होगा, क्या फ्यूचर होगा। इन सब बात के बारे में जो है आप लोगों के दिमाग में बहुत सारे कचरा चलता रहता है कि यार करे ना करे। और ऐसी के चक्कर में क्या होता है कि लोग जो है इस चीज़ को काम को करते नहीं है। ऐसे में कुछ फैक्ट बताने वाला हूँ, जो सच्चाई बताऊंगा कि ब्लॉगिंग का फ्यूचर कैसा होगा 2020 में और कितना आपको खर्चा लगेगा। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं एज इनफॉर्मर। देखिए, मेरे हिसाब से अगर कहें तो ब्लॉगिंग से बढ़िया तो भैया अगर इस फील्ड में अगर काम कर गए और आपका ब्लॉग जो है थोड़ा सा भी अगर आगे बढ़ गया ना, तो यार इसके बाद दूसरे काम में आपको तो मन नहीं लगने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात कि यहाँ पे बॉस फ्री लाइफ रहता है, मतलब अगर आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं, कोई आपका बॉस नहीं, 9 to 5 जॉब का टाइमिंग नहीं है, आपका टाइम आप अपने अनुसार कीजिए, दूसरे वर्क को भी टाइम दे सकते हैं, इसको भी कीजिए। लेकिन लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको अगर शुरुआती दौर में करेंगे तो आपको दूसरे काम से बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। और कंपटीशन की बात करें तो यार आप अमेजिंग, मतलब क्या कहें, जब देखिएगा ना तो पता चलेगा कि एक ही नीच में इतने मतलब वेबसाइट और ब्लॉग अवेलेबल हैं कि आप उससे टक्कर लेने के लिए चलिएगा तो पता चलेगा कि यार आप कहाँ हैं। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है कि आप कंपटीशन के देख करके डर मत जाइए। होता यह है कि ब्लॉग ओपन बहुत होते हैं, रोज़ नए नए जो है ब्लॉगर आते हैं और ब्लॉगिंग के फील्ड में ब्लॉग को रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उस पर काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन आगे वही बढ़ते हैं जो एकदम पैसन के अनुसार जो है काम करते रहते हैं, उनका पैसन होता है, उसमें लगे हैं, काम कर रहे हैं और अच्छे से ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक ब्लॉगिंग आज के डेट में सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट या फन के लिए नहीं है। आज के डेट में ये करियर और सीरियस करियर ऑप्शन हो गया है कि जैसे कोई बड़ा बिजनेस करता है तो ब्लॉगिंग भी अपने आप में बिजनेस है। मैं ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस यूज कर रहा हूँ, ब्लॉगिंग को एज ए बिजनेस करियर ऑप्शन चूज किया हूँ और जिस कारण से इस पर बिजनेस के अनुसार इस पर पूरा का पूरा मैं फोकस किया हूँ, तब जाके आज के डेट में मैं स्टेबल हो पाया हूँ। चलिए, यहाँ पे हो गया बात। अब फ्यूचर की बात करते हैं कि यार 2020 में कैसा रहेगा या आने वाले समय में कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहली बात की अगर आप गूगल में कुछ भी सर्च करते हैं तो गूगल कौन सा कंटेंट दिखाएगा, सोचने वाली बात है। दुनिया का नंबर वन सर्च रिजल्ट देने वाली कौन सा वेबसाइट है, वो है गूगल, सबसे बड़ा सर्च इंजन है। इसके सेकेंड ऑप्शन पे आता है, वो है यूट्यूब से लोग सर्च करते हैं और दोनों का दोनों जो है ये गूगल का प्रोडक्ट है। ऐसे में गूगल क्या सर्च, मान लीजिए सपोज क्या आप कुछ सर्च करना चाहते हैं गूगल पे, तो गूगल कहाँ से दिखाएगा, या तो वेबसाइट से उठा के कॉन्टेंट देगा क्योंकि गूगल के पास अपना कॉन्टेंट तो है ही नहीं, या तो किसी ब्लॉग से उठा के देगा या किसी वीडियो प्लेटफॉर्म से उठा करके देगा या इमेज से उठा के देगा। अब चलिए यहाँ पे बात करते हैं कि सबसे, अब एक गौर किए हुएगा, सबसे पहले जो आता है सर्च रिजल्ट में आज के डेट में अगर सर्च करते हैं, फ्यूचर की छोड़ दीजिए और पास्ट की छोड़ दीजिए, लेकिन करेंट डेट की बात करेंगे तो सबसे पहले आपको आएगा वीडियो, इसके बाद आएगा इमेजेज, इसके बाद पीपल ऑल्सो आस्क इस टाइप का कॉन्टेंट आएगा, इसके बाद आएगा वेबसाइट का लिस्ट। वीडियो जो आएगा सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दिया जाता है यूट्यूब वीडियो का। अगर दूसरे वेबसाइट पे वीडियो है तो उसको देखा हूँ मैं, एकदम रियल प्रैक्टिकल बात में करता हूँ तो इसमें मैं देखा हूँ कि यूट्यूब का वीडियो का सर्च रिजल्ट नंबर वन पे रह जाता है। इमेजेज, जानते हैं गूगल इमेजेज गूगल का ही है, तो ऐसे में गूगल इमेजेज अपना रिलेवेंट जो इमेज है उसको शो करता है और इसके बाद जो शो करता है जो वेबसाइट का लिस्ट, उसमें ब्लॉग का होता है और वो कंटेंट गूगल का नहीं है, ना यूट्यूब वीडियो गूगल का है, ना इमेजेज गूगल का है। और ये सब के सब वीडियो तो मान लीजिए होस्टिंग करता है यूट्यूब, मतलब उसके सर्वर पर रहता है, लेकिन इमेजेज जो रहता है वो वेबसाइट पे होता है, ब्लॉग पे होता है। ऐसे में फ्यूचर मेरे हिसाब से जो है अच्छा ही रहेगा, फ्यूचर डाउन नहीं होने वाला। लेकिन हाँ, रीडिंग जो हैबिट है पब्लिक का वो चेंज हो जाएगा, मतलब ये कि पहले सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड रहता था। याद कीजिए, अगर आप पुराने ज़माने का बुक उठाएंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट लिखा रहता है, मतलब कि उसमें कोई इमेजेज नहीं, क्योंकि उस समय इतना टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं था। आज का बुक उठाइए या कोई भी चीज़ मैगजीन उठाइए तो उसमें जो है विजुअल जो है बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, रिप्रेजेंट किया रहता है, मतलब लोग विजुअली देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसे में अगर आपके पास ब्लॉग है या ब्लॉग बनाने की सोच रहे हैं तो फ्यूचर में आपको ये टारगेट करना है कि आपके ब्लॉग पोस्ट के अंदर जो है इन्फोग्राफिक्स या इमेजेज जो है अट्रैक्टिव इमेजेस के साथ साथ वीडियो भी अवेलेबल होना चाहिए और इसके बाद टेक्स्ट भी होना चाहिए, मतलब सबका मिक्स होना चाहिए, तब जाके आपका ब्लॉग जो है सक्सेस होगा। तो आपके इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा।
कि फ्यूचर में ये ब्लॉग जो है सक्सेस होगा या नहीं होगा। कंपटीशन की बात मैं बोल दिया हूँ कि कंपटीशन तो भैया सच में टफ है और आने वाले समय में और ज़्यादा टफ होने वाली है, लेकिन आपको उसी में जो है आपको ब्रेन लगाना है कि आपको कैसा टॉपिक चुने, कैसा जो है कैटेगरी चुने जिससे कि आप सबसे आगे निकल सके। और दूसरी बात है कि सबसे आगे भले ही आज की डेट में शुरू करते या मेरा ब्लॉग जो है, मेरे ब्लॉग से भी पहले बहुत सारे ब्लॉग था लेकिन उससे अच्छा मेरा जो है परफॉर्म कर रहा है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि मैं उस पर SEO पर मेहनत करता हूँ, इसके नए नए चीज़ सीखता हूँ और हमेशा अप टू डेट रहने की कोशिश करता हूँ। ऐसे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ओवरऑल मैं ये कहूँ कि आज अगर ब्लॉगिंग के बारे में माइंड सेटअप किए हैं तो कुछ रिसर्च कीजिए और ब्लॉगिंग फील्ड में जंप मार दीजिए, काम कर सकते हैं। लेकिन एक सलाह है, इसको गलत मत लीजिएगा। अगर आपका टेक्निकल स्किल जो है अच्छा नहीं है तो भैया या तो आपके पास बहुत सारे पैसा होना चाहिए जो टेक्निकल पर्सन को हायर करके काम करवा सकते हैं, अदरवाइज आपका जो भी पैसा है वो डूब जाएगा। लेकिन अगर आपके पास टेक्निकल स्किल होगा, आपका बैकग्राउंड जो है कंप्यूटर साइंस से होगा, तो ऐसे में आप वेबसाइट से रिलेटेड जो है टर्म को समझ सकते हैं, साथ ही साथ उस पर अच्छा वर्क भी कर सकते हैं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ उसे समझिए। देखिए, ये बिजनेस कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है। ऑनलाइन में क्या, ऑनलाइन में सर्वर होता है, वेबसाइट होता है, गूगल का एल्गोरिथम होता है, सर्च रिजल्ट्स होता है, सर्च इंजन होता है। मतलब जब एक एक चीज़ में जब अंदर जाने की बात करते हैं, अगर सीखने की बात करते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। ऐसे में अगर आपके पास टेक्निकल स्किल नहीं होगा तो आप जो भी पैसा जैसे सर्वर में या होस्टिंग में लगाइएगा, डोमेन खरीदने में, वो सब पैसा बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड है, आपका बैकग्राउंड टेक्निकल है और आप बहुत कुछ है सीखना चाहते हैं, तो ऐसे में नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरा जो सेकेंड चैनल स्पेशली ब्लॉगिंग के लिए मैं बनाया हूँ, उस पर रेगुलर वीडियो तो नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर करूँगा कि जब भी वीडियो डालो तो कुछ अच्छा वीडियो डालो, तो उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अपना ओपिनियन बताइए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।